हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोड़ी सी लाइटिंग सही नहीं आ रही। हाँ, अब आ रही है। मैं हो चुकी हूँ रेडी और आज मैंने सोचा कि क्यों ना रेडी होकर ही मैं मेरे जो दिन की शुरुआत है वो करूँ। और अभी ब्रेकफास्ट वगैरह सब बाकी है, सिर्फ मैंने ग्रीन टी पी है, चिकू को भी ग्रीन टी ही दी है। तो अब चलते हैं, कुछ प्रिपरेशन करते हैं। मैं बाहर आई थी मेरे सॉक्स लेने के लिए क्योंकि आज भी ठंड बहुत ज़्यादा है। स्वेटर नहीं पहना है, ज़्यादा ठंड लग रही है। अभी तो मैंने दूसरे पहन लिए, पर ढूंढने के लिए आई थी तो बाहर ही है इसलिए कोई नहीं। और स्वेटर पहनती हूँ जल्दी से। और आज जैसे कि काम वाली बाई जी आई नहीं है तो झाड़ू लगा दिया है सब जगह पे। बर्तन थे वो जमा दिए है। दूध तो गर्म होने के लिए रख दिया है दोनों तरफ। ये तो अभी आया है भैंस वाला दूध और ये भी है दूध ही, पर ये मेरे और मम्मी के लिए पीने के लिए रख दिया है। चिकू तो आजकल दूध पी नहीं रहे हैं इसलिए उनको ग्रीन टी सुबह सुबह दे देती हूँ जैसे उठते हैं वैसे। और अभी थोड़ी सी मैं ये बादाम खाऊंगी जो कि मम्मी ने कल रात को भिगा के रखी थी। और लड्डू थोड़ा सा खाऊंगा सा सोच रही हूँ, आधा लड्डू जब तक दूध गर्म होता है तब तक। मेरा जो भी छोटा मोटा विंटर का ब्रेकफास्ट है वो करती हूँ ख़त्म और फिर पियेंगे मिल्क। आज मैं ना अभी आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बता रही हूँ, आपको भी देख के मज़ा आ जाएगा। आज हमारे कान्हा जी को कपड़े पहनाए हैं, ठंड के हिसाब से स्वेटर पहना दिया है और इनके पानी रखा है, दूध रखा है, मिश्री रखी है खाने में, चॉकलेट भी रखी है और इनके अच्छे अच्छे मम्मी कल हार भी लाए। ये पहना है आज, पहना है हार, ये हार पहना है। अच्छा, आज पहना है ये हार। कल कान्हा जी की शॉपिंग हुई थी तब लाए मम्मी। कान्हा जी के कपड़े वपड़े सब कल नए आए। फिर कान्हा जी के लिए हर चीज़ इतनी अच्छी अच्छी आ रही है अभी। और मैं तो ठंड के हिसाब से भी आज इतने प्यारे लग रहे हैं, यानी ऊनी ऊनी कपड़े पहनाए तो मस्त। और उनकी जो चॉकलेट रखी हुई होती है वो मम्मी यहाँ पे डाइनिंग पे रख देते हैं, वो फिर मैं खा जाती हूँ। अभी भी मेरे पर्स में पड़ी हुई है, कल चार थी, मैंने जो आपको किसमी बार बताई थी ना वो वाली, कान्हा जी वाली मैं ही खाती हूँ। तो कान्हा जी को तो तैयार आज मम्मी ने मस्त कर दिया है क्योंकि आज 31st है तो कल न्यू ईयर है। तो कान्हा जी के साथ लगभग मम्मी रोज़ ही कपड़े बदलते हैं, एक दो दिन में तो नहीं रोज़ बदलते हैं। फिर रोज़ उनके अलग अलग टाइप के खाने के लिए भी रखते रहते हैं उनको जो जो भाता है वो सब। आज ठंड जोरदार है, पैरों में सॉक्स पहनना बाहर तो वायरा है गजब का। आज बड़े दिनों के बाद मैं मेरे लिए कॉफ़ी बना लेके आई हूँ, अभी कॉफ़ी पीऊँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है तो कुछ गर्मा गर्म हो जाए। आज खाने में बन रहा है ठंड के ज़्यादा प्रकोप से उड़द की दाल और मक्की की रोटी। तो मक्की का आटा तो अभी हमने मंगवाया है और उड़द की दाल बॉईल करने के लिए रख दी है। तब तक मैंने सोचा क्यों ना 3-4 दिन के कपड़े हो गए तो समेट दूँ, तो बस यही प्रोसेसिंग में चल रहा है, कपड़े वगैरह समेट देती हूँ। आज हमारा खाना बन गया है उड़द की दाल और मक्की की रोटी। ये उड़द की दाल बगैर फ्राई की हुई, ठंड की सबसे बेस्ट चीज। और ये नुक्कड़ क्या, नुक्कड़ नुक्कड़ नहीं है रोटी है, टिक्कड़ इनकी है। सालो बदमाश, टिक्कड़ को क्या है मम्मी, मक्की ना टिक्कड़ इनके तो पहले। अच्छा, बिस्कुट नुक्कड़ बिस्किट नेम, बिस्किट मक्की के बिस्किट, पर हमको पता नहीं चलता छोटे थे बिस्किट खिला, बिस्किट की जगह पे मक्की की रोटी क्रॉस करके दे देते थे बिस्किट एम कर, बिस्किट एम करके, और हम पागल बन भी जाते थे। खाना वगैरह सब खा लिया है और आज काम वाली बाई जी जैसे कि नहीं आई हैं तो पूरा किचन किया क्लीन। अब चलते हैं शॉप पर, शॉप पर भी कस्टमर वेट कर रहे हैं। आज तो मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ, लगभग 3 बज गई है, तो चलते हैं शॉप पर। अभी ये डिस्प्ले का नया इक्विपमेंट आया है, इसके ऊपर सारी लिप बाम्स और ये फेस शीट मास्क सारे हैंग होंगे ताकि आप लोगों को प्रॉपरली दिख सके। शॉप पे आई थी और कस्टमर से तो काम कर रही थी। और आप कुछ दिनों से मेरे व्लॉग्स में एक छोटे से बच्चे को देख रहे होंगे, वो एक
हमारे शॉप पर जो काम करते हैं ना जगू भैया, उनका लड़का है जो कि यहाँ पास में ही रहता है, उसका नाम है हैप्पी। तो आज उसका है बर्थडे 31st को, तो उसको अपन अच्छा अच्छा कुछ ना कुछ गिफ्ट देने का सोच रहे हैं, क्योंकि वो बड़े दिनों से हमारे पास आ के बातें कर रहा है, तो उससे एक अलग ही तरह का लगाव हो गया है, तो उसको आज कुछ गिफ्ट करेंगे। और उसके पास कपड़े वगैरह भी ऐसे है नहीं ज़्यादा, तो अपन नव वाले थोड़े से कपड़े लेके आए हैं, जूते भी नव वाले लेके आए हैं, और उसके लिए आज शाम को केक भी मंगवाया है, तो वो कितना खुश होता है वो भी देखेंगे। तो उसके जो भी कपड़े वगैरह है वो व्यवस्थित मैं कर देती हूँ। अभी हैप्पी को कर दिया है तैयार, और अभी घर पे गया है वो हाथ मुंह धोने के लिए, मस्त तैयार हो के आता हूँ फिर मेरी वीडियो लेना है, क्योंकि गया है तो अभी तैयार होने गया है वो। तैयार होके जैसे ही आता है ये हैप्पी रेडी होके आ गया है। और हैप्पी आज तेरा बर्थडे, तेरे को कैसा लग रहा है तैयार होके? सही लग रहा है। और क्या बोलना चाहता है तू? कुछ नहीं। देखो अच्छा लगा, कपड़े वपड़े मस्त लगे क्या? तू टनाटन हो गया, राजू बन गया जेंटलमैन। अब बोल चल, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, और नए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाओ। नए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाओ। नए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना बस। रोमा दीदी के चैनल को, रोमा दीदी के चैनल को बस। मेरा हो गया, हो गया, हो गया बस, हो गया। और सबको थैंक यू भी बोल दे, देखो सब जने विश करेंगे सबको एडवांस में, थैंक यू मेरे बर्थडे की विशेस के लिए। थैंक यू मेरे बर्थडे के विशेस के लिए। पार्टी कब करेंगे? आज शाम को पार्टी करेंगे, ठीक है? आज शाम को पार्टी करेंगे, अभी चल रहे। हाँ बाय। आज थोड़ा अपने पास टाइम है तो क्यों ना आपको थोड़ी सी आज प्रोडक्ट नॉलेज दी जाए। आज मैं आपको बताने वाली हूँ, आगे जाके ही बताती हूँ किस चीज़ के बारे में नॉलेज मिलने वाली है। आज मैं आपको प्रोडक्ट नॉलेज देने वाली हूँ फेस शेप मास्क के ऊपर, और ये सारे फेस शेप मास्क हैं ऑर्गेनिक हार्वेस्ट के, और कौन सा मास्क किस स्किन टाइप के लिए है वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। इसमें लगभग अपने पास अवेलेबल है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सात टाइप के फेस शेप मास्क अवेलेबल हैं। फेस शेप मास्क हमको अगर मैं आपको फेस शीट मास्क क्या होता है वो चीज़ एक बार बता देती हूँ। फेस शीट मास्क जो है वो एक बैम्बू टिश्यू के ऊपर बना हुआ रहता है, जो हम फेस के ऊपर लगाते हैं, तो वो हमारे फेस के अंदर जो भी चीज़, जो भी यानी प्रॉपर्टीज़ की ज़रूरत होती है फेस को, वो एब्जॉर्ब करता है। उससे क्या हमारा फेस का जो भी प्रॉब्लम होता है वो क्योर होता है। अलग अलग टाइप्स के हैं ये फेस शीट मास्क। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करती हूँ ऑर्गेनिक हार्वेस्ट के एंटी एक्ने फेस शीट मास्क से। ये फेस शीट मास्क आपको वीकली यानी ये फेस शीट मास्क आप अगर एक बार यूज़ करते हो तो इसका जो एल्यूमिनस ग्लो है और इसकी जो भी यानी बेस्ट बेनिफिट्स है वो एक वीक तक तो कम्प्लीटली वर्क करेंगे। और ये मास्क उन लोगों के लिए जिनके फेस पर बहुत ज़्यादा एक्नेज हैं उनके लिए। टी ट्री, ये टी ट्री से बना हुआ है। टी ट्री हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है और मोस्टली एक्ने के लिए बहुत अच्छा होता है, जिनका ऑयली स्किन है उनके लिए। और थोड़ा सा मैं आपको और अच्छे से इसमें बता, और इस मास्क के अंदर 3 इंग्रेडिएंट्स मेन है, एक तो टी ट्री, एक है नीम और एक है लेमन। तीनों हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा बेनिफिट इंग्रेडिएंट है, और मेन जिनका एक्ने का प्रॉब्लम ज़्यादा है उनके लिए तो बेस्ट चीज़ है, क्योंकि एक्ने ऑयली स्किन से होते हैं इसलिए, तो उस चीज़ के लिए बेस्ट है। तो आपको आपका जो एक्ने का प्रॉब्लम है वो जल्दी से क्योर हो सकता है इससे। सेकेंड हम आ जाते हैं ऑर्गेनिक हार्वेस्ट के मॉइस्चराइजिंग फेस शीट मास्क के ऊपर। ये है फेस शीट मास्क ऑलिव्स का। ऑलिव्स हमारे फेस को अच्छे से हाइड्रेट करने में बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहता है, और इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स ऐड हैं, एक तो ऑलिव है मैन इसका, इसका सीरम बेस एक्वा है। ये जो फेस शीट मास्क है इसके अंदर ऑलिव्स का सीरम है, और इस स्किन को मॉइस्चराइज करने में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो ये बेस्ट है। और ऑल ये सब भी स्किन के ऊपर सूट होने वाली चीज़ें हैं, और इसका भी ग्लो 1 वीक तक तो रहता ही है। और स्किन से बहुत ही ज़्यादा प्यार है और स्किन को बहुत ही ज़्यादा फ्लॉलेस और अच्छा करना है, तो आप वीकली वीक में 2 टाइम्स अगर ये यूज़ करते हैं तो आपकी स्किन को कभी कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होगी। और सेकेंड हम आते हैं स्किन प्योरीफाइंग ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का फेशियल मास्क। ये है ऑर्गेनिक सीरम मास्क, और ये है जैस्मिन का मैन, और ये स्किन प्योरीफाइंग के लिए है। मैं सबके पीछे जो भी
इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो प्रॉपरली आपको पढ़ के जो आपके लिए बेस्ट इन्फॉर्मेशन है और आपको जो पता करने की ज़रूरत है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। इस फेस शीट के मास्क के अंदर जैस्मिन की फ्रेग्रेंस है और ये बना हुआ है हमारी स्किन के लिए, स्किन में ग्लो लाने के लिए। और ये एक तरह से मिनी फेशियल है एट होम, अगर हमको कहीं क्विकली जाना है बाहर या फिर कुछ भी हमको जो जल्दी से है, जो हमको टाइम नहीं है उस चीज़ के लिए, उसके लिए ये बेस्ट चीज़ है। हम अगर ये फेस शीट मास्क लगा देंगे तो स्किन बिल वाकई ग्लो करेगी और इसमें ये हमारे स्किन के जो पोर्स हैं उनको रिलैक्स करता है और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। और ये बना हुआ है मेन एलोवेरा से, योगर्ट से और ओटमिल से, ये तीनों इंग्रेडिएंट्स इसमें मेन है और जैस्मिन का इसमें एसेंस है, ताकि बहुत ही अच्छी एक, और सबसे मेन चीज़ ये रहती है ना कि साथ में हम अगर कॉन्सेंट्रेट अगर ऑयल फेस के लिए यूज़ करते हैं तो वो हमारी स्किन को काफ़ी रिलैक्स करता है, तो साथ में इसीलिए जैस्मिन का फ्रेग्रेंस दे रखा है। थर्ड हम आ जाते हैं शाइन एंड ग्लो, नाम से ही पता चल रहा होगा शाइन एंड ग्लो फेस पर शाइन और ग्लो लाने के लिए है। और इसके ऊपर भी बिल्कुल ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का इसलिए लिखा हुआ है कि सर्टिफाइड ऑर्गेनिक सीरम मास्क। तो ये किस चीज़ों का बना हुआ है और ये किस स्किन के लिए है वो मैं आपको बताती हूँ। ये फेस शेप मास्क जिनके फेस पर बहुत ही ज़्यादा रेडनेस रहती है या फिर ड्राइनेस रहती है उनके लिए है। इसके अंदर जो मेन इसका इंग्रेडिएंट है वो ओमेगा 6 है, जो कि स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और मेन जिसके भी फेस पे रेडनेस ज़्यादा रहती है, ड्राइनेस रहती है या फिर ग्लो नहीं है, उसके लिए इंस्टेंट रिजल्ट है और बहुत ही बेस्ट है स्किन के लिए। अब हम फिफ्थ आ जाते हैं एंटी रिंकल्स फेस शीट मास्क। ये स्पेशली रिंकल्स के लिए ही है, जिनके फेस पर बहुत ही ज़्यादा झुर्रियाँ आ रही हैं, रिंकल्स आ रहे हैं या फिर पैचेस आ रहे हैं, उनके लिए है। और मेन इसका क्या इंग्रेडिएंट है वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये स्पेशली उन लोगों के लिए भी है जिनके, जैसे कि मैंने बताया रिंकल्स, फाइन लाइन्स जो होती हैं, जो लाइनिंग अपने फेस पर बनती है एज के अकॉर्डिंग, उसको लिफ्ट करने के लिए फेस इससे लिफ्ट होता है। और ये सारे जो भी फेस के शीट मास्क हैं इनका फेस कटिंग पूरा टिश्यू बना हुआ है, वो आपको सिर्फ फेस पर रखना है और 20 मिनट उसको फेस पर अच्छे से रख के और लास्ट में अच्छे से वो सीरम है वो अच्छे से मसाज करके फेस शीट मास्क को निकालना है और ये इंस्टेंट आपकी स्किन को लिफ्ट करेगी, इसके ऊपर लिखा हुआ है। तो ये बेस्ट है जिनके रिंकल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, एज के अकॉर्डिंग भी आ रहे हैं या फिर एज से पहले भी आ रहे हैं, जो स्किन की केयर नहीं कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट चीज़ है। इसके बाद हम 6 आते हैं स्किन कंडीशनर फेस शीट मास्क के ऊपर। इसके अंदर मेन इसका ऊपर लिखा हुआ है लेवेंडर फ्रेग्रेंस, इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो लेवेंडर है, जो कि मेरी पर्सनली बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, क्योंकि लेवेंडर का जो यानी खुशबू है वो इतना ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, उसी के लिए इसका मेन जो है इसका एसेंस है वो लेवेंडर है। और ये जिस चीज़ों से बना हुआ है वो है एलोवेरा एंड ओटमिल एंड योगर्ट एंड इसके अंदर लेवेंडर फ्रेग्रेंस है, जो कि मैंने इसको बताया, जो मैंने शुरुआत में ही बताया था। और इसका जो बेस है वो है सीरम जो स्किन के अंदर धीरे धीरे लगा के रखेंगे, फिर धीरे धीरे स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होगा और स्किन को अच्छे से लाइट एंड ग्लो करेगा। तो स्किन कंडीशनिंग के लिए है ये, और स्किन कंडीशनिंग इसलिए ज़रूरी है अगर किसी को डेड स्किन बहुत ज़्यादा आती है और डेड स्किन के साथ चेहरा बहुत रूखा सूखा लगता है। जिनकी डेड स्किन ज़्यादा आती है और ड्राई स्किन होती है उनके रिंकल्स बहुत जल्दी आते हैं, ये चीज़ मेन होती है। और उन चीज़ों के लिए हम उस चीज़ को हटाने के लिए फेस शीट मास्क यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट आ गया विटामिन सी फेस का एक इतना अच्छा यानी प्रोटीन है ना स्किन का, कि जिनको स्किन में विटामिन सी यानी ब्राइटनिंग का, किसी की स्किन बहुत अच्छी है, स्किन अच्छी है बस उसके अंदर वाइट यानी ब्राइटनिंग नहीं है, ग्लो नहीं करती है, उन सब चीज़ों के लिए भी विटामिन सी बहुत अच्छा है। और किसी को ऑलरेडी विटामिन सी काफ़ी अच्छे से सूट है तो ये वाला अगर फेस शीट मास्क अगर कोई यूज़ करता है तो उसके लिए बेस्ट है ये, क्योंकि इसके रिज़ल्ट इतने बेस्ट आने वाले हैं उसके फेस के ऊपर, क्योंकि इसको सूट है विटामिन सी और विटामिन सी का सीरम मास्क है, तो बेस्ट रहेगा। मैंने आपको ऑर्गेनिक हार्वेस्ट के 7 फेस शीट मास्क की कम्प्लीटली नॉलेज दे दी है। अगर और भी कुछ आप इसके बारे में पता करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, नहीं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट DM भी कर सकते हो, तब आपको इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन हो वो मैं क्योर कर दूँगी। और अब आपको पता चल ही गया होगा कि आपको कौन सा फेस शीट मास्क आपके फेस के लिए यूज़ करना है। तो फेस शीट मास्क लगाइए और अपनी स्किन को और ग्लोइंग और हेल्दी बनाइए।
आपको फेस शील्ड मास्क की एकदम कंप्लीट नॉलेज हो ही गई होगी, मैंने इस व्लॉग में कंप्लीटली बताई है। अगर किसी को भी ज़रूरत हो तो आप उसको ये मेरा व्लॉग सजेस्ट करना ताकि देखेगा, उसको कंप्लीट पता चलेगा। अगर आपको ये परचेज करना है तो मैं कमेंट सेक्शन में नंबर दे दूँगी शॉप करो के, वहाँ से भी परचेज कर सकते हो और शॉप करो एप्लीकेशन पर भी जाके आप परचेज कर ही सकते हो, और शॉप करो इंस्टाग्राम पर भी है तो शॉप करो पर आप डायरेक्ट DM भी कर सकते हो। अगर मुझे नहीं कर सकते हो तो उस शॉप करो को भी कर सकते हो, तो आपको पता चल ही गया है। तो बस ये प्रोडक्ट शॉप करो पर अवेलेबल है, परचेस करो। अभी हैप्पी के बर्थडे की प्लानिंग हो रही है सब, यहाँ से नेल पेंट वगैरह सब हट गई है, इसका केक यहाँ पर रखा जाएगा। और अभी चिकू केक ही लेने गए, तो केक लेके जैसे ही आते हैं वैसे आपको केक बताएंगे, और वो सबको बुलाने गया है, मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन है, आ जाओ आ जाओ। तो सब जनों को बुला गया है, सब जने मिल गए यहीं पर सेलिब्रेट करने वाले, मज़ा आएगा नहीं यार, उसको खुशी कितनी, उसका फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। कहीं गया है अभी, आया दो आज दिन में 15 से 20 बार दुकान पे आ गया है। मेरा बर्थडे आज तो मेरे को कुछ कहना ही मत हो। ये है हैप्पी का केक, और अभी वो जैसे ही आएगा वो तो इतना खुश हो जाने वाला है, केक देखते ये हैप्पी का केक कैसा लगा तुझे तेरा केक? सही लगा। सही लगा? हाँ। सही लगा क्या? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा, बहुत क्यूट है। क्यूट है? हाँ। तो अभी अपन सब जने मिलके केक काटेंगे। नाइफ मिसिंग है, अभी नाइफ लेने के लिए हैप्पी भैया गए। खुश हो गया तू? खुश हो गया एकदम एकदम टकाटक टकाटक। मेरा क्या नाम है बता? आपका नाम नहीं पता है? हैप्पी भैया का पता है। इसका क्या नाम है? इन दीदी का भी नहीं पता। मेरा नाम नहीं पता तेरे को? तुम्हारी दीदी। ये तो तूने बेइज्जती कर दी मेरी। अरे पर मेरे को नाम नहीं पता है ना। रोमा। रोमा रोमा नाम है इनका। सॉरी गलती हो गई है, मुझसे माफ कर देना। तुम दोनों साथ में पढ़ते हो? नहीं साथ में नहीं पढ़ते पर दोस्त है। हूं हां दोस्त। चल आ जा तू। Happy birthday to you. Happy नीचे दे बेटा पूरा पूरा काटना। हाँ इससे मैंने कभी काटा नहीं है, मेरा बर्थडे बनाया नहीं कभी। कोई बात नहीं, बना लिया ना तेरे दोस्त को खिला दे पहले। ले खाले मास्क खोल ले खाले खाले। ओ बस इतना सही इतना सही ले तू खाले। ये बेटा झूठा है, इधर नहीं रखते। झूठा है, मैं तू खा ले तू खा ले। हां हाथ धो के आ जा, हाथ धो के आ जा फटाफट। छोटा सा सेलिब्रेशन हमने कर दिया है, ज्यादा तो मैं कुछ कर नहीं रह पाई, पर इसके लिए केक लाई, और मैं भी नहीं लाई थी, चिकू लाए थे, और ये इसने जैसे केक काटा ये बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया, और फर्स्ट टाइम इसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था इसलिए अलग ही एक्साइटमेंट थी इसको। और 31st का मज़ा तो सच में पार्टी वगैरह करके नहीं, किसी के चेहरे पर खुशी लाकर है, तो खुशी तो इसके चेहरे पर बहुत थी, और वो चीज़ देख के काफ़ी अच्छा लगा। और इसमें हैप्पी वियर ज्योति भी इंक्लूडेड थे, उसको मज़े दिलाने। कैसा लगा आपको बर्थडे बना के हैप्पी का? बढ़िया। अब चिकू आ गए लेने के लिए, तो अपन तो चलते हैं घर पर, और काफ़ी लेट भी हो गया, ऐसे 7 बज गए, तो घर जाके तैयारी करते हैं कुछ 31st की। आज गाड़ी को चमका दिया है तो अंदर रख देते हैं, गंदी नहीं हो जाए करके। हम उदयपुर गए थे ना, तो आपने देखा ही होगा कि मॉल में हम एक अच्छा गाड़ी का पॉलिश करने का शाइनर लेके आए थे, उससे ही गाड़ी पूरी चमकाई दिखे आज, उससे ही चमकाई है पर ठीक है ठीक है, चमक गई है। तो तुम कब से कर रहे थे ये इधर? अभी मैं लेके आई हूँ ये पॉपेट, तो चिगू और हम दोनों मिल के अभी ये पॉपेट खेल रहे हैं। बच्चे आजकल इसी से खेलते हैं तो मज़ा आता है बहुत। मैं जीता। पर रुको तो सही, मैंने चालू भी नहीं करा, आप कैसे जीत गए? वापस कर दो। हाँ। एक मिनट रुक 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 तो सही। मेरे हुए फर्स्ट। या मैं जीता।
वन टू थ्री मैं जीता ये देख अरे यार ये वापस ऊपर आ जाता है इसमें तो मैं जीत ही नहीं सकूंगी कस्टमर का कॉल है वापस से शॉप पे जाना पड़ेगा घर पर आए ही थे और वापस जाना है अभी तो लेट्स गो मकांडा को वापस निकालना पड़ेगा काम हो चुका है और अभी जस्ट हुई हूँ फ्री तो अब चलते हैं घर पर खाना वगैरह कुछ बनाते हैं कुछ भी तैयारी नहीं है अभी तक और बज गई है अभी 8:13 घर पर आ गए अपनी तो कोई पार्टी नहीं है चिकू की पार्टी चल रही है तो उनको एंजॉय करने देते हैं और आज का व्लॉग यहाँ तक देखने के बाद अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना शेयर कर देना कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को और हाँ आप सब जनों को हैप्पी न्यू ईयर आई होप ये वाला साल अपन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहे और बस यही विशेष है ओके बाय।